हेलो, एक्सक्यूज मी। जी सर, बताइए। जिया नाम का बंदा होटल में है, रूम नंबर क्या है? 211। वो रूम में ही है, क्या मैं कॉल करूं? नहीं, मैं चला जाऊं। उन्होंने बताया कि वो कैप्टन सैफी के खास है, क्या आप जानते हैं उनको? कौन है? बाप, तेरा बाप। अबे मेरा बाप तो कब का मर गया? आया, क्यों मार रहा है मुझे? सैफी ने भेजा तुझे? नहीं, मैं खुद आया हूँ। बहुत अच्छे, तो क्या हुआ? मुझसे पंगे मत लीजिए। मुझसे पंगे मत ले, समझ गया तो इस बात को? मतले मेरे से पंगे और जाकर काम पर ध्यान दे, समझा? मुझसे भी खराब लोग घूमने बना दूंगा तेरा। अरे इंस्पेक्टर, क्यों मार रहा है? मुझे कैप्टन सैफी मत समझ रहा, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। यहीं खड़े खड़े तेरी, समझा, औकात में रहना और कल तक अपना बोर या बिस्तर बांध और निकल ले, समझा? सैफी ने तुझे भी साजिश में शामिल कर लिया। क्या बकवास कर रहा है? अच्छा अच्छा, तुम्हारे कैप्टन ने पिछले साल मेरे चीचा को मार डाला। सच में ना कोई कानून ना नियम, उसे तो बस माफिया का पैसा प्यारा था। तुम्हारा कैप्टन वर्दी में घूमने वाला चोर है, पैसों के लिए उसने मेरे जीजा को अपने रास्ते से हटा दिया। मेरी बात मान, उसकी शक्ल पे मत जानूरी, उसकी असलियत मैं जानता हूँ। मेरा जीजा, उसका सारा पैसा वो उसके पास है, वो भी गायब हो गया, खल्लास। मेरी बहन और उसका बच्चा पैसे के लिए तरस रहे हैं, पर पैसा कहाँ है किसी को नहीं पता, और पैसा कितना है ये भी नहीं पता। $80,000 पता है कितने होते हैं? और फिर अचानक उस सैफी ने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया, समझ गया तो इस बात को? मैं तो बस सच बता रहा हूँ, अब जो है सो है। मतलब क्या है तुम्हारा? मान या ना मान, पर जरा सोच सैफी के बारे में। तुम समझदार आदमी हो यार, तुमको अजीब नहीं लगता? हाँ, कैप्टन सैफी चोर है, चोर है वो। तभी तो मेरे सामने आती हालत खराब हो जाती है उसकी, जुबान सिल जाती है उसकी, मैं अच्छे से जानता हूँ। तलाक वलाक सब ढोंग है उसका। दरअसल उसका सारा पैसा उसकी बीवी के पास छुपा हुआ है, और मुझे बहकाने के लिए उसने तलाक का ड्रामा कर रखा है। कैप्टन सैफी तेरा होगा, कैप्टन सैफी। कैप्टन सैफी ऐसा क्यों करेंगे? ज्यादा बकवास मत कर, चोर है वो एक नंबर का। तेरा होगा कैप्टन सैफी। कब से काम कर रहे हो तुम सैफी के साथ, बताओ? तुमने भी तो बहुत सारी बातें सुनी होंगी इसके बारे में। कभी कभी सुना करो, आग वही होती है जहां धुआं होता है। इतना पैसा दबाया और यहां आ गया ताकि लोगों की नजरों से बच सके, हैं? मजा ही मजा, बस मेरे पैसे खा के बैठ गया, मेरे चीचा को मार दिया, और तू समझने को राजी नहीं है। दुनिया उसे अच्छा समझती है, तुम्हें क्या लगता है? मैं जिया, अब शक्ल अच्छी नहीं तो बातें तो अच्छी किया कर। अब सुन, मुझे यहाँ नजर मत आना तू। अरे सच कह रहा हूँ, गोली से गंदा भेजा, समझ गया ना? अरे इंस्पेक्टर, बस बस बस, ठीक है, समझ गया मैं चला जाऊंगा, चला जाऊंगा यहाँ से। अरे इसकी तो साला, तुझे और तेरे चमचे को देख लूंगा सैफी, देख लूंगा मैं।